कंजक्टिवाइटिस या आंख आने का कुछ घरेलू उपाय। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बारिश का जो मौसम है, इसी मौसम में सबसे ज़्यादा आंख आने की समस्या आती है। और आपने अभी रोज न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि इन दिनों लोगों को आई फ्लू हो रहा है और स्कूल में बच्चे इससे ज़्यादा पीड़ित हैं। अगर एक बच्चे में हुआ है तो फिर पूरे स्कूल के सब बच्चों में आ जाता है। तो अब इसलिए है क्या कंजक्टिवाइटिस में, इसको आंख आना भी बोलते हैं, पिंक आई भी बोलते हैं। इस समस्या में आंखों का रंग गुलाबी हो जाता है। ये आंखों में सूजन कंजक्टिवा में सूजन के कारण होता है। अब कंजक्टिवाइटिस क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, संक्रामक भी हो सकता है, गैर संक्रामक भी हो सकता है। एक्यूट में 3 से 4 सप्ताह तक का समय ठीक होने में लगता है और क्रॉनिक में 4 सप्ताह से अधिक भी लग सकता है। अब इसके 3 प्रकार हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस, इसका कारण एक वायरस होता है जिसके कारण ये रोग फैलता है। और स्कूल में ज़्यादातर बच्चों को यही ये वाला ही अधिक होता है, क्योंकि छूत की तो बीमारी है ही है और एक दूसरे की आंखों में देखने से भी होता है ये। और दूसरा एलर्जी, तो एलर्जी वाली में भी आँख से पानी बहुत तेज़ी से आता है, खुजली आती है। और तीसरा है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, यानी इसका कारण बैक्टीरिया है जिस इसमें आँखों से मवाद जैसा निकलता है, जो कीचड़ है मवाद जैसा निकलता है, इसमें पलके चिपक भी जाती हैं। तो ये 3 तरीके का होता है। और अब इसके कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताऊँ कि क्या करें जिससे कि इसमें आपको जल्दी आराम मिले, क्योंकि इसके अंदर आँखों के अंदर चुभन जैसी लगती है, आँख खोल नहीं सकता आदमी, आँख खोलने में चुभन लगती है, जलन होती है, आँख से पानी गिरने लगता है। और चूँकि वो कोई चीज़ देख लगातार देख या नहीं सकता है, क्योंकि उसको तकलीफ होती है, उसमें रोशनी में भी उसको तकलीफ होती है, इसलिए इससे बचने का एक उपाय ये भी है कि आप जिस समय फैला हो आप काला चश्मा लगा के रहें, किसी दूसरे की चीज़ को टच न करें, खास करके रुमाल, हाथों को, इन चीज़ों को, जिसको अगर आया है तो उससे तो बिल्कुल दूर रहना है, उनकी चीज़ों को टच नहीं करना है। और आँखों को धोते रहें बार बार। अब मैं आपको इसके कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ। पहला उपाय है 2 चुटकी आप फिटकरी ले लें पीसी हुई पाउडर, और अब उसके अंदर आपको 30 ग्राम गुलाब जल ले लें, उसके अंदर ये डाल दें और अच्छे से हिला के एक रस कर लें। जब एक सार हो जाए तो उसको दिन में 2-3 बार 2-2 ड्रॉप आँख में डालना है आपको। ये आपको आँखों की समस्या से जल्दी आराम पहुँचाएगा। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो डिस्टिल वाटर में फिटकरी डाल लें, और अगर डिस्टिल वाटर भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, पानी उबाल लें और ठंडा कर लें, उसके अंदर आप फिटकरी डाल लें, और जब वो एक रस हो जाए तो इसको भी आप 2-2 ड्रॉप दिन में 2-3 बार डाल लें। इससे आपको आँखों की समस्या भी जल्दी आराम आएगा। दूसरा है गुलाब जल ले लें थोड़ा, और उसके अंदर आपको थोड़ी सी 5-7 आंवले की कलियाँ डाल दें सूखी, और 24 घंटा उसको पड़ा रहने दें। 24 घंटे के बाद उस जल का रंग बदल जाएगा। अब उसे छान लें, क्योंकि कोई रेशा उसके अंदर नहीं आना चाहिए आंवले का। और अब उस जो गुलाब जल छाना है उसको ड्रॉपर से दिन में 2-3 बार आंखों में डालें। ये भी आपकी आंखों की समस्या से जल्दी आराम दिलाएगा। इसके बाद आपको मैं बोलूँगी 1/4 चम्मच शहद ले लें और 1 कप पानी ले लें। अब उस शहद को उस पानी में मिला लें और इसको अपने जो आपको आपको के अंदर जो वायरस के कारण जो होता है उसमें ये बहुत जल्दी आराम दिलाएगा, क्योंकि जो शहद है ये आपकी इस समस्या में निजात दिलाने में बहुत अधिक सहायक है। नहीं तो कुछ लोग इसको गुनगुने दूध में भी शहद को डाल के उससे भी आँख में डालते हैं तो उससे भी आराम आता है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ पानी में ही बोल रही हूँ। तो आप साफ पानी साफ लेना है और उसको आप आँख में 2-2 ड्रॉप करके डालेंगे तो जिससे आपकी आँखों की समस्या में आराम आएगा। इसके अलावा एलोवेरा, एलोवेरा भी आपको 1/4 चम्मच उसका जूस लेना है
और एक कप पानी में डाल लेना। एलोवेरा में माइक्रोबियल गुण होता है जिसकी वजह से वो आप इस समय आपको निजात दिलाएगा। उस पानी से आप धो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आँख में डाल के थोड़ी देर लेटे रहें, ऐसा दिन में 2-3 बार करें, तो जिससे ये आपको बहुत जल्दी आँखों की समस्या में आराम आएगा। इसके अलावा और धनिया जो पत्ती होती है उसको आप एक गिलास पानी में थोड़ी सी धनिया पत्ती लें, उबाल लें, जब ठंडा हो जाए तो गुनगुना रहे, तो उससे आप अपनी आँखों को धोएं, क्योंकि इससे भी आपकी आँखों की समस्या में आराम आएगा। अब हल्दी में तो बहुत सारे गुण हैं, आप जानते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, बहुत सारे गुण हैं। तो हल्दी भी ऐसा ही एक गिलास पानी उबाल लें, उसमें हल्दी डाल दें, और जब थोड़ा ये ठंडा हो जाए तो एक साफ कॉटन का कपड़ा लें, उसमें भिजो लें, और उसको निचोड़, थोड़ा सा हल्का सा निचोड़ लें, और उसको एक तह बना के, गद्दी बना लें उस रुमाल की, और उसको दोनों आँखों पर ढक के लेट जाए। इससे भी आपकी आँखों की समस्या में निजात मिलेगा। और इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी टी बैग को उबालें, और जब ठंडा हो जाए तो उसको आँखों पर रख लें, क्योंकि आँखों में जो सूजन आती है, इस गुनगुने टी बैग से जो सूजन पे आराम आएगा, और धीरे धीरे आँखें ठीक होंगी। गर्म सेक भी सूजन में आराम दिलाता है, तो आप सेक भी कर सकते हैं आँखों के ऊपर। और बोरिक पाउडर पानी में घोल करके, गर्म पानी में घोल लें, और उससे रुई की सहायता से आँखों को धो भी लें और आँखों को सेक भी दे लें। अमरूद के पत्तों का रस निकाल लें, अमरूद के पत्तों के रस को आप गर्म उबलते पानी में डाल लें, और जब ये गुनगुना रहे तो इससे आँख धोएं, आँखों में डालें, इससे भी आपको आँखों की समस्या से आराम मिलेगा। मैंने आपको थोड़े से कुछ उपाय बताए, इनमें से आप 2-3 उपाय को एक संग भी कर सकते हैं, यानी आँख धोने के लिए आप धनिया का पानी ले सकते हैं, अमरूद के पत्तों के रस वाला पानी ले सकते हैं, बोरिक पाउडर वाला पानी ले सकते हैं, और आँखों में डालने के लिए मैंने आपको कई चीज़ें शहद वाली बता दी, और गुलाब जल वाली बताई है, फिटकरी वाली बताई है, ऐसी कई चीज़ें बताई है। तो आप कोई भी उपाय अपना लें, कम से कम डालने के लिए कोई एक, धोने के लिए कोई एक, तभी आँखें साफ रहेंगी, जल्दी आराम मिलेगा। और ये बारिश के मौसम में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस एक साथ इतने सारे उपाय जो उनके पास घर में होगा वो तत्काल उपाय काम में ले सकेंगे। और क्योंकि बच्चों को ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है तो बच्चों को जल्दी आराम मिलेगा, और अगर बड़ों को भी हो रहा है तो उन्हें भी तो आराम चाहिए, काम तो सबको करना है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या कमी दिख रही है अभी आप उसमें, और शेयर अधिक से अधिक करें। बेशक आपको ना पसंद आए, किसी दूसरे के काम तो आएगा। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नए नए वीडियो बनाऊँ, नई नई चीज़ों के बारे में बताऊँ, ताकि लोगों को उसमें राहत पहुँचे परेशानियों में, शारीरिक परेशानियों में। नमस्कार, धन्यवाद।